गाइस, आज जो हमारा मुंबई का दर्शन होने वाला है वो होने वाला है विथ मेट्रो रेल। मुंबई मेट्रो रेल चालू हो चुकी है, तो हम मेट्रो से जाने वाले हैं टुवर्ड्स मलाड। बीच में दो तीन स्टेशन से इंटरचेंज करना होगा, बट वील बी गोइंग टू मलाड इवेंचुअली। वहाँ से अंधेरी, जोगेश्वरी और जो भी नियर बाई स्पॉट्स हैं वो सब हम बाइक पर कवर करेंगे। लेट्स गो। मेट्रो बंद रहने की वजह से सरप्राइजिंगली अब हमको ऑटो से जाना पड़ेगा। आई मीन ऑटो से गेवनार बस की पूछे पुर, फिर वहाँ से बस से जाएंगे मलाड। एक्चुअली मेट्रो स्टेशन बंद होने से हमको वो रूट एग्जैक्टली नहीं मिला जहाँ हम जाना चाह रहे थे। वो टू मेनी डाइवर्जन एंड बहुत जगह से इंटरचेंज करना पड़ रहा था, विच वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस। हमने डिसाइड किया कि हम आगे का जर्नी बस से कंटिन्यू करेंगे। कृपया बच्चों को पकड़ कर बैठे, कृपया महिलाओं की सीट पर पुरुष ना बैठे। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ बस से टुवर्ड्स मलाड और पुष्पा पार्क मेरा स्टॉप है, और वहाँ से मैं जाऊँगा मालूनी टू माई कसन, और वहाँ से उनकी बाइक लेके आई विल प्रोसीड टू माई जर्नी। मेरे कज़न को मिलने के बाद अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ मालवनी से, और अब जाएंगे हम हमारे घूमने फिरने के जो भी स्पॉट्स हमने डिसाइड किए थे, जुहू, बांद्रा और बैंड स्टैंड, जहाँ भी हम लोग जाएंगे। अब चलिए मेरे साथ, हम एंजॉय करते हैं, मुंबई के दर्शन लेते हैं। लेट्स गो। जुहू बीच पे मैं आ गया हूँ, मगर यहाँ पे इतना टाइट कर रहे हैं कि मास्क तो नाक के नीचे भी नहीं उतरने दे रहे, तो अनफॉर्चुनेटली फोटोज़ वगैरह लेना मुश्किल ही हो जाएगा। और बीच को भी मैं नज़दीक से आपको नहीं दिखा पाऊँगा। एक वीडियो मैंने खींच दिया, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपने देख लिया होगा, आपको पसंद भी आ गया होगा, मगर अनलकीली मैं खुद बीच के नज़दीक जा नहीं सकूँगा और ना ही खुद के विदाउट मास्क फोटोज़ ले सकूँगा, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट, अब जुहू के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। शाहरुख खान का घर मन्नत, बहुत जल्द वो भी दिखा लूँगा। बीच पे ये लोग ज़्यादा नज़दीक जाने नहीं दे रहे, और मास्क तो ऑब्वियसली जूह पे मैंने बताया बिल्कुल निकालने ही नहीं दे रहे।
तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए कुछ फोटो सेशन वगैरह, मगर मैंने एरिया की फोटोज वगैरह ली है। चलिए अब आगे जाके देखते हैं, हमको शाहरुख और सलमान का या अमिताभ जी का घर नजर आता है हमारे रूट में मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। गाइज यही मेरे पीछे है गैलेक्सी यानी कि सलमान खान का घर। ऑब्वियसली वी आर अनइनवाइटेड तो हम अंदर जा तो नहीं सकते, और क्योंकि झाड़ इतने हैं यार मैं आपको इस घर का क्लियर व्यू भी नहीं दिखा सकूंगा। मगर बेसिकली गैलेक्सी अपार्टमेंट यही सलमान खान का घर है और यहीं पे वो रहते हैं। गाइज अब मैं हूँ शाहरुख खान जी के घर के सामने, SRK के घर के सामने मन्नत। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमेशा यहाँ पे फैन का एक हुजूम हमेशा लगा हुआ ही रहता है, जिनको शाहरुख खान नहीं तो नहीं, उनकी फैमिली नहीं तो नहीं, उनके नेम प्लेट के साथ ज़रूर फोटो खिंचा के चले जाते हैं। मेरा मतलब उनके घर के नेम प्लेट यानी घर का नाम जो है मन्नत, मन्नत का नेम प्लेट अभी मैंने आपको दिखाया, वही नेम प्लेट के साथ लोग आते हैं, फैंस इतने डाई हार्ड फैंस होते हैं तो उस नेम प्लेट के साथ ही फ़ोटो खिंचा के खुशी से घर चले जाते हैं। फिलहाल यही रहा उनका घर, पीछे की जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वही शाहरुख खान का घर है। और इतना अंदर है गेट से कि हम कुछ खास क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहे, बट एनीवेज देखते हैं आगे और क्या एडवेंचर्स हमारे इस जर्नी में होता है। सलमान और शाहरुख दो का घर मैंने आपको दिखा दिया, और अगर किसी को नजर आए तो दिखा देंगे, नहीं तो अपना जर्नी तो कंटिन्यू रहेगा। तो गाइज इसी के साथ मेरा ये मुंबई दर्शन का सेकंड ब्लॉग ख़त्म होता है। इस ब्लॉग में हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम देवनार, वहाँ से हम गए टुवर्ड्स मलाड, जुगेश्वरी, मालवनी। मालवनी में मेरे कज़न से मिले, उनसे मलकर निकले, वहाँ से निकलते हैं मैंने आपको स्लम एरिया भी मालवनी का दिखा दिया। वहाँ से हम गए टुवर्ड्स जुहू, फिर उसके बाद बांद्रा, फिर वहाँ पर बैंड स्टैंड पर देखा मन्नत, सलमान का घर गैलेक्सी वो भी हमने देखा। फिर वहाँ से हम निकले, निकलने के बाद हम गए वर्ली। वर्ली की भी काफ़ी सारी झलकियाँ मैंने आपको दे दी, उनके टॉल बिल्डिंग्स और उनका जो ब्यूटीफुल सीन्स फ्रॉम द ब्रिज जो नज़र आता है वो सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली मैं मुकेश अंबानी जी का जो घर है एंटीलिया वो नहीं दिखा सका, उसकी दूर से ही झलकियाँ ले पाया, नज़दीक से एक्चुअली क्योंकि रिसेंटली जो इवेंट हुआ था उसके बाद वहाँ पर वीडियो या फोटो शूटिंग रिस्ट्रिक्शंस थे तो ऑब्वियसली वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो गाइस इस सेकेंड ब्लॉग में मैं ये भी कवर कर सका आपके लिए कि इस लॉकडाउन के बाद ये जो अनलॉक हुआ है, इस अनलॉक जो फेज़ वाइज अनलॉक जो हो रहा है उसके अंदर क्या क्या अनलॉक हुआ है, कितना जगह पे कितनी पब्लिक को अलाउ किया गया है, क्या क्या अलाउ किया गया है, क्या क्या रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। आई होप आपको ये कुछ मदद कर देगी। तो अंत में इतना ही बोलूँगा गाइज, अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, यहाँ तक दिखे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और अगर कुछ अपना ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, कुछ भी बोलना चाहते हैं या मुंबई के हैं, मुंबई कर हैं और इस बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन योर ओपिनियन बिलो। And please subscribe to my channel Imran Kaka.